अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल कॉर्नर में सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन। आज मैं आपको ड्रामा सीरियल कोई चंद्रक के इस एपिसोड का रिव्यू दूंगी और नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताऊंगी। इस एपिसोड में आपने देखा कि राबेल और उमेर इकट्ठे कमरे में बैठे होते हैं और राबेल उमेर से पूछती है कि वो सब कुछ तुमने किया था, वो सारे लेटर तुमने जैन को दिए थे। तो उमेर राबेल को बताता है कि वो सब कुछ मैंने नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि वो सारे के सारे लेटर्स निशाल ने जैन को दिए दिखाए थे ताकि वो तुम दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके और तुम दोनों एक दूसरे को छोड़ दो और निशाल उसकी लाइफ में आ जाए। फिर निशाल कहती है, राबेल कहती है कि आज तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया है। मेरे दिल पर एक बहुत बड़ा बोझ था कि ये सब कुछ तुमने किया है। मुझे लगता था कि ये सब कुछ तुमने किया है, लेकिन आज तुमने मेरी सारी गलतफहमियां दूर कर दी हैं। अब मेरे दिल से जैन के लिए जो मोहब्बत, जो इज्जत, जो एहतराम था, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब मुझे उसके साथ होने से या साथ ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपनी ज़िंदगी खुद से बहुत अच्छे से गुजार सकती हूँ। मेरे लिए मेरी बेटी का साथ और मैं खुद ही काफ़ी हूँ। फिर दिखाते हैं कि जैन की माँ की कॉल आती है जैन की तरफ और जैन नीचे आता है और अपनी माँ की कॉल अटेंड करता है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि मैंने सोचा है कि तुम्हारी बेटी का अकीका कर दूँ और इसी बहाने तुम भी अपनी बेटी से मिलोगे और मैं भी तुमसे मिल लूँगी। तो जैन अपनी माँ से बात कर रहा होता है, इतने में निशाल नीचे आ जाती है और कहती है कि ये तुम किससे बात कर रहे हो। तो जैन कहता है किसी से नहीं। तो निशाल कहती है मुझे बताओ तुम किससे बात कर रहे हो। जैन उसको समझाता है कि मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ और उसको ज़बरदस्ती ऊपर भेज देता है। फिर दिखाते हैं कि जैन की माँ ने अपनी पोती के लिए अकीके का फंक्शन रखा होता है और बहुत ज़्यादा मेहमानों को बुलाया होता है, बहुत अच्छा सा सेटअप किया होता है। वहाँ पर जैन की बहन, उसका बहनोई और सब लोग होते हैं। सोविया ने जैन की बेटी को उठाया होता है और उसको बहुत प्यार कर रही होती है और कहती है जितनी ये हमें प्यारी है, काश इसका बाप भी आकर इसको देखे ताकि उसको भी इसकी खुशी हो कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है। और फिर जैन आ जाता है और जैन आता है तो सोविया उसकी बेटी लाकर उसके आगे खड़ी हो जाती है कि ये लो इसको देखो। तो जैन पीछे हट जाता है। तो जैन कहता है कि इससे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है और अपनी माँ से आकर कहता है कि आपने तो कहा था कि बच्चे की पैदाइश के बाद आप राबेल को यहाँ से निकाल देंगी। तो जैन की माँ इतने में लड़ने लग जाती है अपने बेटे से और कहती है कि राबेल हमारी ज़िंदगी में रोशनी की तरह है और निशाल एक कोयला है जो जलता रहता है। इतने में निशाल आ जाती है वहाँ पर और दोबारा से हंगामा खड़ा कर देती है, बहुत लड़ाई करती है और आकर राबेल को कहती है कि तुम मेरे हस्बैंड का पीछा छोड़ दो, तुमने अभी तक उसकी जान नहीं छोड़ी। तो राबेल कहती है मैंने किसी को नहीं पकड़ा हुआ। निशाल कहती है मैं सब कुछ देख रही हूँ, अंधी नहीं हूँ, बहाने बहाने से उसको बुलाती हो ताकि तुम उसको अपनी मोहब्बत की जाल में फंसा सको और अपनी बेटी से उसको मिलवा सको। ऐसा मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। अगर मैं जैन को तुम्हारे और उमेर के वो सारे लव लेटर्स पढ़ा दूँ और यहाँ पर सारी आवाम के सामने मैं तुम्हारा सारा कच्चा चट्टा खोल दूँ तो फिर तुम क्या करोगी और तुम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी कि तुम अपनी शक्ल तक नहीं पहचान सकोगी। तो राबेल कहती है निशाल बस करो, अब तुम बहुत सुन ली मैंने तुम्हारी बातें। राबेल कहती है निशाल तुम क्या जैन को उसकी बीवी से अलग कर दोगी, तुम एक बेटे को उसके माँ से अलग कर दोगी, एक बाप को उसकी बेटी से अलग करोगी, बहन को उसके भाई से अलग करोगी, तुम किस किस को जुदा करोगी उससे और तुम्हें लगता है कि तुम खुश रहोगी, ऐसा नहीं होगा। तो निशाल कहती है तुम मुझे बद्दुआ दे रही हो। तो राबेल कहती है नहीं मैं तुम्हें बद्दुआ नहीं दे रही, ये तो एक रद्दे अमल है, जैसा करोगी वैसा भरोगी। खुशियाँ हमेशा हाथ पकड़ कर पीछे पीछे नहीं आती, इतनी अंधी नहीं होती खुशियाँ कि तुम्हारे पीछे पीछे आए। तो निशाल बहुत ज़्यादा झगड़ पड़ती है राबेल से। इतने में निशाल का बाप आ जाता है और कहता है निशाल बस करो, और साथ ही जैन की माँ भी आ जाती हैं और वो कहती है तुम यहाँ से चली जाओ,
तो निशाल कहती है, मैं क्यों जाऊँ यहाँ से, मैं जैन की बीवी हूँ, मेरा इस घर पर हक है, ये घर मेरा है, मैं यहाँ पर रहूँगी, अगर किसी को जाना है तो रबेल यहाँ से जाए। तो जैन की माँ कहती है, रबेल नहीं जाएगी, वो इस घर की बहू है, तुम कुछ भी नहीं हो हमारी लगती, तुम यहाँ से चली जाओ। और निशाल के बातें सुनकर निशाल का बाप उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है और निशाल फिर गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है, मैं खुद को मार दूंगी, गाड़ी लेती है और वहां से निकल पड़ती है। तो जैन भी भागता है अपनी बीवी के पीछे और कहता है, आप सबने अच्छा नहीं किया उसके साथ, वो भी गाड़ी लेते हैं और उसके पीछे पीछे जाता है। तो देखते देखते निशाल समुंदर पर पहुंच जाती है, तो जैन भी उसके पीछे जाता है। समुंदर पर निशाल खुदकुशी करने की कोशिश करती है तो जैन उसको पकड़ लेता है और उसको समझाता है कि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ तुम इम्पोर्टेंट हो, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है और ना ही मुझे कोई चाहिए। और फिर वो लोग जाते हैं अपने घर, सामान पैक करते हैं और दूसरे मुल्क के लिए रवाना हो जाते हैं। और फिर दिखाया जाता है कि जैन की माँ और निशाल बैठी हुई होती हैं, सॉरी राबेल बैठी होती हैं। तो निशाल की माँ कहती है कि तुम्हारी और मेरी कैफियत एक जैसी है, इधर तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेली हूँ, मेरा तो कोई भरोसा नहीं है, मैं कब अल्लाह को प्यारी हो जाऊँ, क्योंकि उसको कोई बीमारी लग चुकी होती है, वो अपने बेटे के इंतज़ार में हर पल मर रही होती है कि कब मेरा बेटा वापस आएगा और मुझे मिलेगा। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जैन और निशाल घूम रहे होते हैं, तो जैन जिस भी बच्ची को देखता है उसको महसूस होता है कि ये शायद मेरी बेटी है, उसको एहसास होता है कि मैंने अपनी बेटी से दूर होकर गलती की है, उसको उसकी बहुत ज़्यादा याद आती है। फिर दिखाते हैं कि राबेल अपनी सास के पास आती है, वो खुश नज़र आ रही होती है और अपनी सास को कहती है कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ, आप उजाला का ख्याल रखिएगा, वैसे तो नौकरानी भी है लेकिन आप इसका ख्याल रखिएगा, और वो हॉस्पिटल चली जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि निशाल और जैन वापस आ गए हैं, तो निशाल आती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है और जैन को कहती है कि आज हम पूरे 11 महीने बाद अपने घर वापस आए हैं। जैन भी कहता है, हाँ हम पूरे 11 महीने बाद वापस आए हैं, तुम खुश हो ना, तो निशाल कहती है, हाँ मैं खुश हूँ। और साथ में निशाल कहती है कि मुझे लगता है कि अब मुझे किसी डॉक्टर को या किसी साइकेट्रिस्ट को चेक कराना पड़ेगा। तो जैन कहता है, किस वजह से चेक करवाना है तुमने, तो निशाल कहती है, मुझे कोई शौक नहीं है, मैंने बस चेक करवाना है। जैन कहता है, कभी तुमने बेउलादी का मसला बनाया हुआ है, कभी तुमने टेंशन का मसला बनाया, ये सारी तुम्हारी नेगेटिविटी है, तुम्हारी गलत सोच है जो तुम हर वक्त सोचती रहती हो, इसकी वजह से ये तुम्हारे साथ हो रहा है और कुछ भी नहीं है तुम्हें, तुम हसद करती हो, जलती हो सबसे, इसकी वजह से तुम्हें तुम्हारे पास औलाद नहीं है आज। तो निशाल कहती है, तुम्हें क्या लगता है मैं सब कुछ जान के करती हूँ, मुझे शौक़ है डॉक्टर्स के पास जाने का, मुझे शौक़ है ऐसा सब कुछ करने का। और फिर निशाल गुस्सा होकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। फिर दिखाया जाता है कि जैन बैठा होता है और सामने एक पेपर पड़ा होता है, जब वो उस पेपर को खोलता है तो वो शौक रह जाता है, उसकी कैफियत ना हंसने वाली होती है और ना रोने वाली होती है, उसको समझ नहीं आ रही होती कि वो क्या करे, शायद उन पेपर्स में निशाल की बेऔलादी का बताया जाता है या फिर निशाल की कोई ऐसी बीमारी बताई गई है जिसको देखकर जैन बहुत ज़्यादा शॉक्ड है। तो व्यूअर्स, अब चलते हैं कोई चांद रख के प्रोमो की तरफ। प्रोमो में दिखाया जाता है कि जैन वापस आ गया है अपनी माँ के घर और कहता है कि कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधार सकूँ। जैन की माँ बहुत बीमार होती है लेकिन वो अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती है। तो जैन राबेल को लेकर गाड़ी में घूम रहा होता है, कहीं जा गया होता है, तो निशाल कहती है, तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर उसके साथ घूम रहे हो, तुम उसके साथ ऐश कर रहे हो और मैं यहाँ पर बीमार पड़ी हूँ। फिर दिखाया जाता है कि राबेल जैन को कहती है, मैं कोई कपड़ा नहीं हूँ या मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं हूँ जिसको जब चाहा इस्तेमाल कर लिया और जब चाहा काली जगह पर फेंक दिया, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ, मेरे लिए मेरी बेटी काफ़ी है, खबरदार जो तुमने कभी अपनी जबान से मेरा या उजाला का नाम भी लिया तो मैंने तुम्हें कभी माफ़ नहीं करना, तुम जाओ और अपनी उस बीवी के साथ रहो। जैन अपनी माँ से कह रहा होता है कि मैंने बहुत ज़्यादा गलती की है, निशाल जैसे अंधे धुएं में मैंने छलांग लगा दी है,
मुझे कोई ऐसा रास्ता बताएं जिससे मैं इस अंधे कुएं में से निकल सकूं। तो व्यूअर्स, आपको आज की एपिसोड कैसी लगी और आपको नेक्स्ट प्रोमो में क्या लगता है कि क्या होगा? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।